हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। टुडे वी विल डिस्कस क्लास 7 साइंस, चैप्टर 7, दैट इज वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। बच्चे, इसमें वेदर, व्हाट इज वेदर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द वेदर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। देन क्लाइमेट हमने डिस्कस किया है और उसके अभी हम फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। फोर फैक्टर्स, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी या वाटर बॉडीज, ओशन करंट्स, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड एंड माउंटेन्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आज के सीरीज में हम आगे डिस्कस करेंगे जो हमारे फैक्टर्स हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ कम्स आफ्टर डिस्कसिंग माउंटेन्स। माउंटेन्स का हमने डिस्कस किया कि जो हायर रीजन्स पे, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाई एरियाज में जाते हैं, वैसे वैसे ऑक्सीजन की कमी होती है, हेयर एयर थिनर थिन हो जाती है। ठीक है, ये अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, क्लाइमेट के ऊपर डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इक्वेटर कैसे इफेक्ट करती है। सो ये हम देखते हैं। इसमें क्या है कि द डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर में क्या है कि इक्वेटर के पास जो जितना रीजन होगा उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी। वो क्यों? बिकॉज इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है अर्थ, पूरे अर्थ पे, राइट? जो इक्वेटर के पास जितने आपके रीजन्स लाइक करेंगे उन सब में टेम्परेचर हॉट ज़्यादा होगा, गर्मी ज़्यादा होगी। ये देखो, जैसे आपको पिक लगी हुई है, ये पिक में अगर आप केयरफुली देखो, इक्वेटर एकदम सेंटर में है। हमारी इक्वेटर की लाइन ये है, ठीक है ना? तो इस इक्वेटर की लाइन में अब आप देखो जौन से रीजन्स आ रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे हमारा ग्लोब घूम रहा है, इंडिया भी आएगा। इंडिया जो है इक्वेटर के पास जो है, देखो चेन्नई इक्वेटर के पास पड़ता है, राइट? तभी इसी कारण इक्वेटर में सबसे ज़्यादा गर्मी, जैसे साउथ में हम जाते हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि वो इक्वेटर के नियर एरियाज है, बाकी एरियाज़ में इतनी गर्मी नहीं है। थ्रू आउट द ईयर जो आपके सदर्न रीजन्स हैं इंडिया के, वहाँ पे टेम्परेचर हॉट रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ। नॉर्थ में आप देखो एक्सट्रीम टेम्परेचर है, गर्मी भी ज़्यादा होती है, ठंड भी ज़्यादा होती है क्योंकि वो इक्वेटर से दूर है। बट साउथ में ठंड तो होती नहीं है, गर्मी ज़्यादा होती है। ओके, सो द इक्वेटर रिसीव्स मोर सनलाइट देन एवनी वेयर एल्स ऑन द अर्थ। ये तो कॉन्सेप्ट है, इक्वेटर में गर्मी क्यों, इक्वेटर के पास के रीजन्स में गर्मी क्यों होती है? सन के कारण होती है। क्यों? क्योंकि इक्वेटर रिसीव्स डायरेक्ट सन रेज, दैट इज़ वाई इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ। अगर आपको पेपर में सेवन्थ क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन आ जाता है कि अर्थ में कौन से सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, तो आपने बोलना प्लेस नियर द इक्वेटर। सबसे हॉटेस्ट जगह कौन सी होगी? इक्वेटर सबसे हॉटेस्ट जगह है क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट आती हैं, ठीक है? जैसे जैसे आप इक्वेटर के पास होंगे, जितने रीजन्स इक्वेटर के पास होंगे वो सारे गर्म ज़्यादा होंगे और जितने दूर होंगे वो रीजन्स ठंडे होंगे। इट इज़ कूलर एट नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एज दीज एरियाज रिसीव स्लांटिंग एंड लेस सनलाइट। जो आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहाँ हैं इस ग्लोब में, क्या आप बता सकते हो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल कहाँ हैं? ये देखो, ये वाला जो ऊपर आएगा, ऊपर ये नॉर्थ पोल है आर्कटिक सर्कल के ऊपर, और ऐसे ही आप नीचे जाओगे, नीचे आपका साउथ पोल होएगा। तो यहाँ पे ये वाले पोल पे, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे जो आपकी है वहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा नहीं होती। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम सनलाइट आती है या स्लांटिक सनलाइट आती है। कम सनलाइट आने के कारण टेम्परेचर वहाँ का ठंडा ज़्यादा होता है और वो वहाँ पे गर्मी इतनी नहीं होती है, ठीक है? सो ये था आपका डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, ये कैसे इम्पैक्ट करता है, क्या इफेक्ट, कैसे इफेक्ट करता है ये टेम्परेचर को, ठीक है? जितना इक्वेटर के पास जगह होगी उतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पे होगी और जितनी वो दूर होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी। रीज़न बिहाइंड इज क्योंकि इक्वेटर के पास डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनरेज आती है।
ओके और नेचुरल वेजिटेशन। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, नेक्स्ट फैक्टर जो हमारा इफेक्ट करता है क्लाइमेट को, वो नेचुरल वेजिटेशन का है। नेचुरल वेजिटेशन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। जो आपकी नेचुरल वेजिटेशन है वो क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करती है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू। अब देखो प्लांट्स में आपको पता है ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, हमने डिस्कस किया सिक्स क्लास में, पढ़ा आप लोगों ने। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वो जो एक्स्ट्रा वाटर वो जो एब्जॉर्ब कर चुका होता है प्लांट, वो सारा अपना निकालता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, टाइनी वेपर्स के फॉर्म में वो निकालता है। तो ये जो है अगर जितना ज़्यादा आपके प्लांट्स होंगे उतनी नेचुरल वेजिटेशन होगी, प्लांट्स किसी भी फॉर्म के प्लांट्स हो, नेचुरल वेजिटेशन इतनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जब प्लांट्स अपने में से पानी रिलीज करेंगे तो वो वेपर्स इवेपोरेट होके हमारे क्लाउड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जब क्लाउड्स बनेंगे तो उसके कारण क्या होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी ऑब्वियसली रेनफॉल वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो नेचुरल वेजिटेशन भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है क्लाउड्स फॉर्मेशन में। कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो जो एरियाज जहाँ पे वेजिटेशन कम है वहाँ पे रेनफॉल कम होती है। अब ये देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, डेजर्ट्स में जाओ, डेजर्ट्स में जो प्लांट्स कौन से लगे होते हैं जो पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, जो दे कैन लिव लॉन्ग विदाउट वाटर, जैसे आपके कैक्टस ट्री वगैरह, कैक्टस प्लांट्स वगैरह हैं जो हमारे डेजर्ट्स में लगते हैं। तो कैक्टस में आपको पता है वहाँ पे लीव्स नहीं होती हैं, लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, ये हम सेवन्थ में पढ़ चुके, सिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स होते हैं जो उस फॉर्म में बने होते हैं वो, ताकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को कम से कम वो करें, पानी जब वो एब्जॉर्ब कम करेंगे तो वो रिलीज भी कम करेंगे। तो इसी कारण ये नहीं है कि आपके डेजर्ट्स में बारिश नहीं होती, बट कम रेनफॉल होती है। सो जहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन आपकी कम होगी वहाँ पे बारिश भी आपकी कम होगी, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा, आपके एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स होंगे, मॉडरेट नहीं होंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हमारा, अभी हमारा फैक्टर है वो है ह्यूमन फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। अभी तक जो हमने फैक्टर्स पढ़े थे बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट्स, डायरेक्शन ऑफ विंड, प्रिवेलिंग विंड, माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और नेचुरल वेजिटेशन, ये सारे हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। अब कुछ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण क्लाइमेट के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। अब मेन क्लाइमेट, मेन ह्यूमन एक्टिविटी कौन सी है, दैट इज़ जो क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट करती है, दैट इज़ योर लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, जिसको हम डीफॉरेस्टेशन भी कहते हैं, और यह आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, ठीक है। तो ये लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, अब देखो नॉर्मली व्हाट हैपन्स, अब जैसे हम जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो या हम इंडिया की एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन राइज कर रही है तो लोगों की रहने के लिए जगह कम है, तो इसी कारण क्या हो रहा है, व्हाट हैपन्स कि लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज को कट कर रहे हैं। ट्रीज़ को कट करने से क्या हो रहा है, हमारा जो इकोलॉजिकल सर्कल जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो रहा है। इम्बैलेंस कैसे हो रहा है, प्लांट्स हमारे काटे जा रहे हैं, ट्रीज़ हमारे कट हो रहे हैं, वो ट्रीज़ हमारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे गिव ऑक्सीजन, जो हम ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। और दूसरा वो ऑक्सीजन देते हैं तो आपका जो एयर का टेम्परेचर है, वो जो आपका वेदर है, वो आपका मॉडरेट रहता है, ठीक रहता है। नहीं तो क्या होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमंस रिलीज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही ज़्यादा होगी और ह्यूमंस के इनटेक के लिए ऑक्सीजन नहीं होगी, इसलिए जो आपका टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म होगा। इसलिए जो आपके ट्रीज़ हैं वो आपके नहीं कट करने चाहिए। जो लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़ है, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक से प्लीज़ लिखा गया, यहाँ पे प्लांट्स आएगा, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स आपके कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। जब आपके लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज़ होगी, जब आपके ट्रीज़ काटे जा रहे हैं, तो
ट्रीज काटे जा रहे हैं तो आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ही नहीं होगा, वो खाना कैसे बनाएंगे? उसमें उसके कारण क्या होगा, जो आपका इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होने से अभी हमने डिस्कस किया है कि आपकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, क्योंकि वो सनलाइट को बहुत अच्छे से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण क्या है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। आजकल के सीनरों में आप देखो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पड़ा है। इन स्टेप्स को, इन एक्टिविटीज़ को हमें नहीं करना चाहिए, हमें ज़्यादा ट्रीज लगाने चाहिए ताकि हमारा ओवरऑल क्लाइमेट के ऊपर इम्पैक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो है, जो ह्यूमंस की एक्टिविटी है वो आती है हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि जो आपकी इंडस्ट्री ज़्यादा लग रही हैं या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की ज़्यादा हो रही हैं, व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं, उसकी उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं, और ये जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रही है। इसके कारण इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, या इंडस्ट्रीज जो है जो अपने पॉल्यूटेंट्स छोड़ते हैं उसके कारण क्या होता है, हमारी एसिड रेन होती है। एसिड रेन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पूरा एसिड और बेसिस चैप्टर में, पॉल्यूशन इन हमारा इसमें इससे बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों का असर क्या हो रहा है, इन सारी चीज़ों से हमारे ओवरऑल ग्लोब के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, वो ये असर पड़ रहा है कि हमारा क्लाइमेट जो है वो हॉट ज़्यादा हो रहा है, गर्म ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सो दीज आर द टू मेन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज दैट आर इफेक्टिंग द क्लाइमेट। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in that comment box. Thanks for watching.